खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां शनिवार से नादेही शुगर मिल बंद होने के कारण किसान परेशान है। किसान अपना गन्ना लेकर शुगर मिल में मौजूद है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण शुगर मिल पिछले दिनों से बंद है, जिससे किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं जब शुगर मिल बंद होने की बात भारतीय किसान यूनियन को पता चली, तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहाँ किसानों और किसान नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मिल प्रबंधक ने किसानों को मिल शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान किसान नेता अमरप्रीत ने आरोप लगाया है कि प्रशासन चाहती है कि फैक्ट्री बंद हो जाए और किसान अपनी जमीन बेच दे। उन्होंने कहा कि पिछले दिन गन्ना मंत्री भी आए और उद्घाटन करके चले गए, तब से मिल लावारिश हो गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यालयों में नहीं मिलते हैं, मिल बंद है, लेकिन किसानों को सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये है कि ये सरकार चाहती है कि फैक्ट्री बंद हो जाए और किसान परेशान होकर अपनी जमीन बेच दे। ये सरकार की शुरू से एक पॉलिसी है। मैं तो सीधा यहाँ के मंत्रियों को, उस दिन गन्ना मंत्री जी भी आए, फीता काट के यहाँ से चले गए। फीता किसान भी काट सकता है, पर ये है कि जिस दिन से गन्ना मंत्री जी गए हैं, मिल लावारिस हो गई है। आप अंदर जाके देखिए, अधिकारियों के ऑफिसों में अभी भी ताले लगे हुए हैं। ये हाल इस मिल का हो गया है। यहाँ सिर्फ मंत्री आते हैं, फीता काट कर अपनी दो फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। किसान की सुध लेने को कोई तैयार नहीं है।